हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मूंग बीन स्प्राउट्स बनाने का तरीका शेयर करूंगी। ये मूंग बीन स्प्राउट्स बनाने में मुझे 3 दिन लगे हैं, तो तरीका थोड़ा सा इसका लंबा है, ये टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन आखिर में हमारे पास बहुत ही अच्छे मूंग बीन स्प्राउट्स बन के तैयार होते हैं, जो साफ़ होते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और हम इनको मुख्तलिफ रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड में इसका यूज़ कर सकते हैं और इससे हम बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो चले आएँ, बनाना शुरू करते हैं मूंग बीन स्प्राउट्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ मूंग बीन के स्प्राउट्स की रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मूंग बीन से हम कैसे स्प्राउट्स बनाएंगे घर पे। ये देखें, हमने 1 कप मूंग ले लिए हैं, साबुत मूंग। इसको अब हम वॉश करेंगे, 2-3 बार अच्छे से हम इसको साफ कर लेंगे, 2-3 बार अच्छी तरह से इसको साफ कर लेंगे ताकि डस्ट वगैरह अगर हो निकल जाए। मैंने पहले मूंग को चुन लिया है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, पत्थर वगैरह, कंकर, ऐसी कोई चीज़ इसमें मुझे नहीं मिली। तो 2-3 बार इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है, यानी धो लेना है। तो हम मूंग को कवर कर देंगे, ओवरनाइट हम इनको सोक करेंगे। तो कल फ्रेंड्स हमने आपके सामने ये देखें मूंग को सोक किया था टैप वाटर के साथ। तो अब हम इसका अगला जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। इसका काफ़ी सारा पानी जो है वो सोक कर लिया है मूंग ने। अब हम इसको इस तरह से एक बास्केट या जाली में इसको डाल देते हैं ताकि जो पानी है इसके अंदर वो सारा इसमें से निकल जाए। तो ये देखें, काफी बड़े बड़े ये हो गए हैं स्प्राउट्स। अब भी हम इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे भी बड़े चाहिए। इसको हम साइड पे रख देते हैं ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक का डब्बा या कंटेनर लिया है जिसमें आपको छेद नजर आ रहे होंगे, ये हमने बनाए हैं छेद, जो इस तरह की लोहे की सीख होती है या स्कीवर जिसपे हम बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं, उसको चूल्हे के ऊपर गर्म करके इसके ऊपर हमने ये सारे छेद बना लिए हैं। तो अब जो हमारे पास मूंग है ये हम सारे इसमें ट्रांसफर करेंगे। आप इस तरह की बास्केट में भी बना सकते हैं स्प्राउट्स, इस तरह से साइड में करके इसके अंदर जो पानी है अब हम वो भी निकाल देते हैं। अब हमें पानी की जरूरत नहीं है, ये देखें इतना पानी रह गया, आधे से भी कम पानी रह गया है। तो अब हम मूंग इस कंटेनर में भरेंगे। तो ये टूट रहे हैं, अगर मैं स्पून के साथ करूंगी इसलिए मैं हाथ से करूंगी, हाथ मैंने धो लिए हैं पहले से। तो आप देख सकते हैं कि सारे मूंग जो थे वो हमने भर दिए हैं इस कंटेनर में। ये इसका ढक्कन है, अब हम इसको ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन हमने लगा दिया है। अब हमें किस तरह से बैग लेंगे, कोई सा भी बैग आपके पास हो, ये मेरे पास रेडी पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने ये उठा लिया। आप किसी कपड़े में भी इसको बांध के रख सकते हैं। तो अब जो है ना मूंग इस तरह से हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हम इनको ऐसे इस तरह से कर लेंगे ताकि मूंग जो है वो आसानी से स्प्राउट्स इनके बन सके। तो इसलिए हम इसको इस तरह लिटा देंगे बैग में। तो अब हम इसको साइड पे रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, तो ये सारे स्प्राउट्स बन जाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। होपफुली कल तक हमारे सारे जो स्प्राउट्स हैं वो तैयार होंगे, कल आपसे मिलते हैं। तो आज 3रा दिन है, स्प्राउट्स हमने यहाँ पे बनाने के लिए रखे हुए थे, ये देखें हमारे मूंग बीन स्प्राउट्स बन चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कितने लंबे हमारे स्प्राउट्स बने हैं, ये देखें काफ़ी रूटिंग भी हो चुकी है इसमें, ये आप देख सकते हैं कितनी इनकी स्टेम्स जो हैं वो बड़ी हैं। तो अब ये बिल्कुल यूज़ करने के लिए तैयार हैं।
एक कप हमने मूंग दाल ली थी और अब देखें कितने ज़्यादा ये बने हैं। तो आप एक ही बार इस तरह से बना के रख सकते हैं फ्रिज में और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो, और थोड़ा थोड़ा करके भी बना सकते हैं, किसी कप में भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे ये बन चुके हैं, रूटिंग देखें, साइज देखें। तो इन स्प्राउट्स को आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, सैलेड में इनको यूज़ कर सकते हैं, इनके कटलेट्स बना सकते हैं, फ्राइड राइस में यूज़ कर सकते हैं, नूडल्स में यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की आप इससे रेसिपीज़ बना सकते हैं। ये बहुत हेल्दी रहते हैं, हम आगे आपको रेसिपीज़ में इनका यूज़ भी बताएंगे और मुख्तलिफ किस्म के स्प्राउट्स बनाना आपको सिखाएंगे। तो देखें इनको बनाना कितना आसान है। तो मार्केट में तो ये बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ जगह ऐसी हो जहाँ पे ये अवेलेबल ना हो, तो हम खुद इनको बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी मूंग बीन स्प्राउट्स की ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगे तो इसको एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।